आज हम सिंपल चावल से एक ऐसी डिश बनाने वाले हैं जो कि बनाने में तो बहुत ही इजी है, बट टेस्ट इसका इतना लाजवाब है कि आप पहले कभी खाए नहीं होंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे, ये सच्ची में चावल से ही बना है क्या, जो कि मुंह में रखते ही घुल जाएगा। यस फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं राइस केक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 1.5 कप चीनी को 5-6 इलायची के साथ पीस लेते हैं। जिस कप में चीनी का नाप लिए थे उसी कप में 4 कप दूध लेंगे। उसमें पिसा हुआ चीनी और इलायची को मिक्स कर देंगे और मीठे का सही टेस्ट लाने के लिए 2 चुटकी नमक इधर पे ऐड कर देंगे और ये मिक्सर को एक साइड में रख देते हैं। अभी उसी मिक्सी में 5 घंटा पहले भिगा कर रखा हुआ 1 कप चावल को फाइन पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखिए, चावल, चीनी और दूध का मेजरमेंट कप एक ही होना चाहिए। अभी यहाँ पर केक बनाने के लिए केक पैन पहले से रेडी करके रख देते हैं। तो पहले पैन को देसी घी से ग्रीस करते हैं। उसके ऊपर ऑयल पेपर है तो ठीक है, नहीं तो मैं जैसे अभी कर रही हूँ, A4 साइज का पेपर लेके देसी घी से ग्रीस कर दीजिए। इसको भी एक साइड में रख देते हैं। अभी पहले से रखा हुआ चीनी और दूध का मिक्सचर को गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ाते हैं। उसके बाद पहले से जो रखा हुआ था चावल का पेस्ट को डाल के धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर बिना रुके कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है, नहीं तो गुटलियाँ आ जाएंगे। अभी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए नारियल और ग्रेटेड नारियल को डाल के मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली मिलाते रहना है जब तक ये पेस्ट कढ़ाई छोड़ ना दे। ये देखिए, मिक्स अभी रेडी हो गया। इसको केक पैन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको ऐसे गर्म ही ट्रांसफर करना है। अभी चम्मच या गीले हाथ से ऊपर के सरफेस को प्लेन कर देते हैं। अभी लीड को ऐसे सील करके केक को 40 से 50 मिनट तक कुक होने देते हैं। केक अभी ब्राउन दिखने लगा है, नीचे भी आप ऐसे खोल के देख सकते हैं। देखिए, चारों तरफ से ब्राउन होने लगा है, इसका मतलब केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी केक के ऊपर के पर्सन को थोड़ा देसी घी से ब्रश कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद केक को एक प्लेट में डीमोल्ड कर देते हैं। इसका फ्लेवर ही इतना टेम्पटिंग आ रहा है कि ठंडा होने तक वेट करना तो मुश्किल ही है। हम लोग तो इसे अभी काट के खाने वाले हैं, लेकिन आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके ही खाइए, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो फिर बनाइए, खाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।